सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न के पांचवें मंत्र पर आते हैं, जो कि पिप्पलाद ऋषि उपदेश दे रहे हैं भार्गव को। ऐशो अग्निस तपत्तेश सूर्य एष प्रजन्यो मघवान एष वायु एष पृथ्वी रैर्देव सत् सच्चामृतम चयत्। अर्थात वह यह जो प्राण है, यह प्राण अग्नि होकर तपता है, यह सूर्य है, यह मेघ है, यही इंद्र और वायु है, तथा यही देव पृथ्वी भी है, रई है, शत है, अशत है और अमृत है, तथा यही ये सब कुछ है। अब यहां पर जो पहले के मंत्र में बताया गया था कि प्राण ने कहा कि मैं ही सबका आश्रय दाता हूं, तो उसकी व्याख्या यहां पर हो रही है। प्राण क्या है पहले मैंने बता दिया था, तो यहां है कि यही प्राण अग्नि होकर तपता है, यानी जो अग्नि है, जो हीट एनर्जी है, और इस अग्नि से ही जो प्रकाश है, लाइट एनर्जी है, यानी और जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं, यहाँ अग्नि से आप यही समझ लीजिए कि ये प्रकाश है, उष्मा है, और फिर इसी से विद्युत भी है, और फिर इसी से चुंबकत्व भी है, और इसी से अन्य प्रकार की जो भी ऊर्जा है वे सब हैं। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य यही था कि ये जो ऊर्जा है, इसका स्रोत कौन है, इसका आदि स्रोत कौन है, यानी आदि ऊर्जा कौन है, तो ये आदि ऊर्जा प्राण है, प्राण से अग्नि बनती है, ये समझिए। यानी जितने भी ऊर्जा के स्रोत हम लोग को आज जो मालूम है, विज्ञान को पता है, इसका जो मूल स्रोत है वह प्राण है, यही यहां पर यह कहना चाह रहा है यह मंत्र। फिर कह रहे हैं कि यह जो है यही सूर्य है, तो अग्नि में ही सूर्य है, यानी अग्नि जो है वही जब गोला बन जाता है, बहुत बड़ा विशाल हो जाता है, तो वही हमें सूर्य के रूप में मालूम पड़ता है। तो अग्नियों के विशाल गोले को, बड़े बड़े गोले को, जिसको हम लोग तारा कहते हैं, और वह अग्नि चाहे कहीं भी है, वह सूर्य ही कहलाता है। छोटा सा भी अगर है, अगर जुगनू भी है, जिसके पीछे के हिस्से में स्पार्क होता रहता है, रोशनी आती रहती है, तो वह भी सूर्य ही है, वह उसे रोशनी देता है, उसके सहारे वह अपने शिकार को खोजता है, अपने लोगों को खोजता है। तो जितना भी चमकने वाला कोई भी पदार्थ है, ये सब जो है सूर्य है, जिसमें भी अग्नि है, चाहे कितने बड़ा तारा हो या नक्षत्र हो, ये सभी सूर्य ही है। कह रहे कि तो यह प्राण ही जो है सूर्य हो गया, पहले अग्नि हुआ, फिर अग्नि से सूर्य हो गया, स्थूलता पर आ गया, यानी प्राण सूक्ष्म है, सूक्ष्म से जो अग्नि है
वो कुछ स्थूल हुआ ऊर्जा, फिर उससे और स्थूल हो गया सूर्य के रूप में, अब इससे और स्थूल हो गया मेघ के रूप में, ताकि वही यह जो है मेघ भी है। अब मेघ है किस अर्थ में, इस मेघ में यानी जब तपन होती है, तपन से जो पानी है वह पानी भाप बन करके ऊपर उठता है, यानी पानी में जो गर्मी है इतनी गर्मी जो उसे भाप बना दे उसे ही मेघ कहा जाता है, वाष्प है, और वाष्प का मतलब बड़ा रूप है मेघ, और वह मेघ जब ठंडा होता है तो वही बरसता है, फिर उसी से पानी आ जाता है। तो पहले उसमें हीट एनर्जी है, वो उसको ठंडा होने पर, ठंडा जब ऊपर उठेगा तो टेम्परेचर उसका कम होगा, तापमान घटेगा, और ठंडा होने पर जो वाष्प है वह घनीभूत हो जाएगा, वह जल में परिणत हो जाएगा, और जल की बूंदों में फिर परिणत होकर फिर वह गिर जाएगा, तो वही मेघ है। और यही इंद्र और वायु है। अब यह मेघ है और यही इंद्र है। मेघ के देवता को इंद्र कहते हैं, और उसमें जो बिजली चमकती है, जो टक्कर होती है, उसके भीतर जो चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसमें हीट है तो चार्ज होगा, एक उसका कुछ हिस्सा ठंडा है, एक हिस्सा कुछ गर्म है, एक तरफ कुछ ज्यादा है, एक तरफ कुछ कम है, टक्कर होगी, टक्कर होने पर वहां वज्रपात होता है, टक्कर होने पर उसे बिजली की उत्पत्ति होती है, वो चार्ज जो है वो विद्युत के रूप में आता है, तो वो जो विद्युत ऊर्जा है उसको इंद्र कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा इंद्र है, तो उस मेघ से क्या होता है कि उसके टक्कर से इंद्र आते हैं, यानी विद्युत की उत्पत्ति होती है। और यह जो वायु है वह वायु क्या है, उसको बहा करके ले जाने वाली कोई चीज बहती है, हवा जो गैस के स्टेज पर है, तो जो पदार्थ होते हैं वे या तो जल के स्तर पर होते हैं, या ठोस स्तर पर होते हैं, या वाष्प के स्तर पर होते हैं, गैस के स्तर पर हो गए, तो वो वायु कहलाते हैं वह, और सूक्ष्म स्थिति हो जाती है, और उसे भी जब सूक्ष्म हो जाए तो फिर तो वह ऊर्जा के रूप में हो गया। तो यह जो वायु है यह एक तरह से सूक्ष्म रसायन है, उसका वह स्टेज है, तो इतना छोटा है, इतना हल्का हो चुका है वह, कि उसके भीतर का जो बॉन्ड है वह काफी, जो बंधन है आपस के, उसके जो अणु परमाणु है उसके बंधन है वे काफी दूर तक है, इसलिए हल्के हैं और उड़ जाते हैं, ठोस बंधन नहीं है, हल्का बंधन है, उसमें गति भी तेज है, तो इसलिए वायु का रूप धारण कर देते हैं। तो ये सब प्राण के ही हैं, भिन्न भिन्न स्वरूप प्राण ही भिन्न भिन्न स्तर पर प्रकट हो रहा है, यहां पर कहने का इतना तात्पर्य है। और फिर यह देव ही पृथ्वी है, पृथ्वी अर्थात कि हम ठोस जो पिंड देखते हैं, मिट्टी के रूप में, और तमाम ये वनस्पतियां हैं, सब जितने भी हैं, सब जो ग्रह है, यह पृथ्वी कहलाता है। और तो इस पृथ्वी में तो ये सब आ गए, मेघ इंद्र वगैरह जितना है सब आ गए, और रई, इसके बाद यही रई है, यानी रई का अर्थ समग्र, पूरा का पूरा जो है ये भौतिक जगत
जो कि हम देख सकते हैं, जिसे जो स्थूल है वह भौतिक जगत रई कहलाता है, यानी पूरा इसमें सब आ जाएंगे, सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे सभी सब आ जाएंगे, यह रई है। तो ये कह रहा है कि यही प्राण ही है जो रई है, जो रई भी आपको दिखता है ये प्राण का ही स्थूल स्वरूप है, बहुत स्थूल हो गया रई। तो प्राण बहुत सूक्ष्म हो गया और रई बहुत स्थूल हो गया, दोनों ये दो छोर बना दिए। और कह रहे कि जो कुछ भी सत्य है, यानी जिसका अस्तित्व है वह, और जो कुछ भी असत है, यानी वैसा अस्तित्व जो बदल रहा है, सत्य वैसा अस्तित्व जिसको कि बदलना नहीं है, शाश्वत अस्तित्व है, असत वैसा अस्तित्व जिसको कि बदलना है। असत इस अर्थ में नहीं है कि सत का अभाव है वहां, माने यानी अस्तित्वगत अभाव नहीं है वहां, वहां पर क्या है, रूपगत अभाव है, यानी अभी रूप है ये कुछ है, फिर कुछ होगा, रूप तो है लेकिन रूप की स्थिरता नहीं है, रूप में लगातार बदलाव है, वह असत है। तो सत है और यह असत है, यह भी कौन है, यह भी कहते हैं यह प्राण ही है। और जो अमृत है, अमृत जो है, शाश्वतता जो है, वह भी प्राण ही है, यानी प्राण शाश्वत है, प्राण का नाश नहीं होगा, यही उपनिषद कह रहा है। प्राण जो शक्ति का जो मूल स्रोत है, आधार है, उसका नाश नहीं होता है, उसको इसलिए यहां अमृत कहा गया। और फिर लास्ट में कहा दिया गया है अमृतम के बाद चयत, और ये सब कुछ जो भी तुम देखते हो, जानते हो, समझते हो, ये सब सब प्राण ही है। यानी जितना कुछ कहा जा सकता था उसको तो कह दिया, और जो कुछ छूट गया कहने से, क्योंकि हर चीज तो इतना तो विस्तार से तो एक मंत्र में लिखा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, तो यहां पर यत कह के बता दिया गया, और बाकी जो कुछ भी तुम देखते, सोचते, समझते हो, महसूस करते हो, वो सब भी प्राण ही है। यही यहां पर इसके कहने का तात्पर्य था। तो इस मंत्र में इतना ही। ओम।